राज्य भर में हीटवेव को लेकर स्कूल ऑफ कमिश्नर की कचहरी की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत स्कूलों को कई सूचनाएं दी गई है। दरअसल इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग की कमिश्नर ऑफ स्कूल की कचहरी यानी कि COS की ओर से हीटवेव को लेकर स्कूलों को कई सूचनाएं देता हुआ परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत COS की ओर से राज्य की सभी स्कूलों को ये सूचना दे दी गई है कि गर्मियों के मौसम के दौरान शैक्षिक कार्य को 11 बजे तक पूर्ण करना जरूरी होगा और वहीं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कोई भी ओपन एयर क्लासेस नहीं चालू होंगे। इस बारे में वडोदरा के जिला शिक्षा अधिकारी ने ज्यादा जानकारी भी दी है। हीटवेव संदर्भ में राज्य सरकार ने गर्मी ने अत्यारे असरो छे अंतर्गत एक बैठक अंतर्गत तमाम विभागों ने यथायोग्य आवश्यकता मुजब सूचनाओ आपवामां आवेली। ते अंतर्गत शिक्षण विभाग ने आवरीने जे सूचना छे के शाळानो समय सवारे 6-11 नो राखवो, ते संदर्भनी सूचना गांधीनगरनी कचेरीमांथी अत्रेनी कचेरीने तारीख 19 रोज मळेल छे, जे परिपत्रित करीने शाळाओने आज रोजथी મોકલી આપવામાં આવશે અને એની અમલવારી એ બાબતે આમ તો શાળાઓને સૂચના આપેલી જ છે, તમામ મિટિંગોમાં પણ કહ્યું છે કે ગરમીની સિઝન છે એટલે કોઈ બાળક 2 ઘડી માટે પણ તડકે ને ઊભું ન રહેવું પડે, પેરેન્ટ્સ એને લેવા માટે આવ્યા હોય કે એવા કોઈ પણ સમયની પૂરતી ઠેકેદારી રાખવામાં આવે અને બાળકને પણ સમજ આપવી કે તમે પૂરતું પાણી પીઓ, કારણ કે બાળકને વિશેનું જ્ઞાન હોતું નથી, તો આ બધા બાબતે બાળકને પણ અવગત કરવામાં આવે છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।